आज हम लोग यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ पहुँचे हैं और हमारी जो मांग है वो बिल्कुल न्यायिक है और एकदम हम लोग लगातार हमारे जो गेट संघ के साथी लोग हैं और जो लगातार कई वर्षों से इसकी तैयारी करते हैं और सरकार भी उनके लिए एक घोषणा की थी 33,000 पद उन्होंने निकाला था और हमारी यह मांग है कि जो 33,000 पद है वो आचार संहिता के पहले कहीं ना कहीं अगर वो ज्ञापन निकाल लेती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक पर्याप्त समय मिल जाएगा तैयारी के लिए, कहीं ना कहीं आचार संहिता अगर लग जाएगा तो फिर एक नई चीज़ें हमारी समस्या हमारे सामने आ जाएगी। तो इसी विषय को लेकर आज हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री माननीय बिजमोहन अग्रवाल जी से मिलने पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी पहुँचे हैं, महिला मित्र पहुँची हैं, हमारी युवा साथी पहुँचे हैं जो लगातार अपना अथक परिश्रम से 30-30 साल पढ़ाई करके सरकार की सेवा देने के लिए तत्पर हैं। तो हमारी ये मांग है कि कम से कम ज्ञापन निकाल दिया जाए जिससे हमारी मांग पूरी हो सके। धन्यवाद। कि आज बीएचबीएच संगठन के जितने भी साथी हैं सभी साथी आज उपस्थित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग को लेकर कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बृजमोहन अग्रवाल जी ने जैसा कहा था विधानसभा सत्र में कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती हम लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले ले लेंगे, कर देंगे करके, बस उसी मांग को लेकर हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि जैसा कि उन्होंने वादा किया था अपने वादे के अनुरूप सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन जारी करवा दें, नोटिफिकेशन जारी करवा दें ताकि हम सभी अभ्यर्थियों को और पूरे डेट बीएड संघ के जितने भी साथी हैं सबको एक पर्याप्त अवसर मिल सके पढ़ाई करने का और उन बच्चों का भविष्य बनाने का जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं परंतु शिक्षकों के अभाव में बिना पढ़े ही आ जाते हैं। तो एक बार पुनः मेरा निवेदन है माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि जैसा कि उन्होंने कहा था उसको पूरा करें और लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी करें। हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री जी से मिले और उसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा खुद स्वयं वहां पे भाजपा के कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के रूप में जो थे अभ्यर्थी थे और उन्होंने भी मांग की। कहा जाए तो भाजपा के कार्यकर्ता खुद मांग कर रहे हैं 33,000 शिक्षक भर्ती की। इसके साथ ही बीएड संघ के अध्यक्ष दाऊद खान सर के द्वारा भी ये मांग की गई और इसके अलावा सभी अभ्यर्थीगण वहां गए हुए थे और उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिया। तो देखिएगा अब कल से जो सप्ताह होने वाला है प्रारंभ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो है महतारी वंदन योजना का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है सभी महिलाओं के खातों में और इसके अतिरिक्त इसके बाद आप देखेंगे कि 12 तारीख को जो किसान का जो अंतर की राशि है 917 रुपये करीबन वो जो है ट्रांसफर की जाएगी और कहा जा रहा है कि या तो उस दिन शाम तक या 13 तारीख को आचार संहिता लगने की पूरी पूरी की संभावना है। फिलहाल देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कल का दिन और उसके बाद 12 तारीख का दिन, दोनों ही दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे नोटिफिकेशन के तौर पर। अगर हम देखें तो देखिएगा 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में अभी तक राजपत्र में नियम प्रकाशन नहीं किया गया है तो आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि सोमवार या मंगलवार को जारी करके तुरंत उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त देखिएगा परिचालक जो प्रयोगशाला परिचालक का जो 440 पद, इसके अतिरिक्त वहाँ पे भृत्य और चौकीदार के पद थे, ऐसा करके टोटल 880 पद निकले हुए थे जिसके लिए जो मैंने आपको कहा है कि व्यापम को चिट्ठी लिखी गई है और कहा जा रहा है कि व्यापम इसकी परीक्षा जुलाई में लेगा। इसके बाद वार्डन भर्ती के 300 पद है उसकी भी भर्ती परीक्षा जो है जुलाई में ही संभावित की गई है। इसके अलावा जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन है जिसके लगभग 260 पद है वो भी जो है जुलाई में संभावित है। इसके अलावा मत्स्य निरीक्षक के 70 पद ये जो है वो भी जुलाई में संभावित है और इसके अतिरिक्त अपेक्स बैंक के 23 पद और कृषि विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक के टोटल 10 पद से अधिक है। तो ये जो पद है लगभग इन सभी पदों की परीक्षा जो है भर्ती परीक्षा जो है वो जुलाई में जो है वो संभावित की जा रही है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कल का जो दिन होगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि देखिएगा कल आप लोग व्यापम की वेबसाइट पे और सीजीपीएससी दोनों की वेबसाइट पे आप लोग
लोग नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिएगा सीजीपीएससी ने स्वयं कहा था कि सबसे पहले तो एक महीने के भीतर जो है वो कैलेंडर जारी करेंगे, दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि मार्च के प्रथम सप्ताह में आपको संशोधित मॉडल उत्तर दे दिया जाएगा। दोनों ही बात अभी तक हुई नहीं है, जिससे कि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं थोड़े से हड़बड़ाए हुए कि आखिर क्या होगा कैसे होगा। तो निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों के लिए आने वाला जो सप्ताह, आने वाला जो दिन है कल का, वो अत्यंत अच्छा होने वाला है। और कल का देखिएगा दिन बहुत ही अपडेट पे अपडेट मिलने वाली है आप लोगों को, और जो बोला चाहिए बेरोजगार अभ्यर्थी, उनके चेहरे हो सकते हैं कल खिल सके, क्योंकि जिस प्रकार से आज का जो है पूरी महिलाओं का चेहरा खिला है, उसी प्रकार से कल जो है वो बेरोजगारों के चेहरे खिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आगामी दिनों में देखिएगा किसान और कर्मचारियों की डीए पर भी जो है फैसला संभव हो सकता है, क्योंकि देखिएगा केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 50% तक जो डीए है वो दे दिया है, और छत्तीसगढ़ में मात्र अभी जो है वो 42% डीए है, तो लगभग 8% का डिफरेंस है। जहां पे मोदी की गारंटी पे कहा गया था कि शासकीय कर्मचारियों का जो कहना चाहिए एक प्रकार का डीए है वो वैसा ही बराबर रहेगा केंद्र के डीए के, केंद्र के कर्मचारियों की डीए के समान। अब यहाँ पे फिलहाल देखने वाली बात है, लेकिन अगली खबर की बात करें तो जो आने वाले पद अगर हम उस पर चर्चा कर ले तो देखिए स्वास्थ्य विभाग में खुद जो है मंत्री जी ने कहा था कि 6000 पदों पर बड़ी भर्ती होने वाली है, और देखिएगा मैंने भी बताया आप लोगों को इसकी तैयारी जो है चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी की तैयारी जो है वो पूरी कर ली है। अब अगर सारा चीज रेडी रहा तो आपको आगामी जो सप्ताह है उस पर भी जो है इस पर कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा आबकारी आरक्षक के लिए जो है दैनिक भास्कर में 2 फरवरी की डेट पे एक लेख आया था, जिसमें कहा गया था कि 150 पदों पर जो है आबकारी आरक्षक की जो ऑनलाइन आवेदन है वो जो है वो मंगाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा पटवारी और आरआई के बहुत पद आप लोगों ने देख लिए हैं, और लगभग 1000 से अधिक पद जो है वो पटवारी और आरआई के पद रिक्त है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार 500 से अधिक पदों पर पटवारी और आरआई के पदों पर भर्तियां होगी, जहां पे लगभग बताया जा रहा है कि 90 से अधिक पद आरआई के आ सकते हैं और पटवारी के लगभग 500 पद यहां पे संभावित की जा रही है। अब देखिए यहां पे देखने वाली बात है कि कितने जल्दी इसको अमली जामा पहनाया जाता है, लेकिन जो आरआई की भर्ती है वो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए कभी भी निकल सकती है। डिपार्टमेंट पर इसकी जो कार्यवाही है वो बहुत ही बोल सकते तेज गति से जा रही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो राजस्व विभाग है उस पर किस प्रकार से अमलीजामा पहनाता है। उसके अलावा देखिएगा उद्योग विभाग में पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको, उसके पहले भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में बताया था कि किस प्रकार से पद जो सुखबुगाहट है विभाग से वो मिल रही है, और सहायक प्रबंधक के लगभग 98 पदों पर यहाँ पे जो है व्यापम से भर्ती हो सकती है। देखिए ये जो सीजीपीएससी वाला एडीआई है वो तो आपको एग्जाम कैलेंडर में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सहायक प्रबंधक जो व्यापम लेता है वो वाली भर्ती 98 पदों पर संभावित हो सकती है। इसके अलावा देखिएगा अगर हम बात करें एडीओ भर्ती के संबंध में, तो निश्चित रूप से इस पर जो है लगातार जो अभ्यर्थीगण है वो मंत्री जी से मिल रहे हैं, और निश्चित रूप से ये कहा जा रहा है कि लगभग 250 से अधिक पदों पर जो है वो एडीओ भर्ती आगे हो सकती है। इसके अलावा देखिए एसीएफ के बारे में भी यही खबर है कि इस पे भी लगभग 100 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी, और नगर सैनिक के आप लोगों ने देखा था कि 500 से अधिक पदों पर वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा देखिएगा जो जूनियर इंजीनियर है या जेई वाले है, जो टेक्निकल वाले हैं जेई या एई, इनकी भी जो भर्तियां है लगभग 1000 से अधिक पद जो है वो संभावित है, इनको आने वाले समय में जो है इस पर जो भर्ती विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से देखिएगा मैंने आपको सभी पदों के बारे में है। इसके अतिरिक्त सीजीपीएससी में असिस्टेंट और जो बोल सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पद है वो भी बहुत सारे हैं, और आगामी समय में देखिएगा सीजीपीएससी का अगर एग्जाम कैलेंडर आएगा जो आचार संहिता के पहले, तो उन सभी में इन सभी पदों पर जो है देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त देखिएगा सहायक प्राध्यापक के भी लगभग 2100 पद है यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा देखिएगा शिक्षक भर्ती तो है ही, तो इस प्रकार से देखिएगा आप सीजी टेट और सेट की भी तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर जो सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित हो या टेक्निकल से संबंधित हो, तो आगामी समय में इस पर आपको सभी प्रकार की पदों की जो भर्तियां है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल कल का जो सप्ताह है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव।